ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की की, जिसके मुस्कुराने पे फूल बरसते हैं और उसके मम्मी पापा हर रोज झगड़ते हैं। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। यार सुबह से मेरा टॉवल नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरी चीजें जगह पे क्यों नहीं रखी होती है। नेहा मेरा टॉवल कहाँ पे है यार? मुझे नहीं पता, आप खुद देख लो। तो फिर किसको पता है? बस तुम्हारा रोज का यही नाटक है, रोज सुबह का यही नाटक होता है। चलो मैं ढूंढता हूँ अपना टॉवल। फिर नहीं बेटा, अरे यार ये तो शर्ट भी प्रेस नहीं है, ये भी प्रेस करने वाली रहती है। अरे यार नेहा मेरी शर्ट प्रेस कर दे यार, मैं लेट हो रहा हूँ कॉलेज के लिए। अरे यार मैं कैसे प्रेस कर दूँ, मैं खुद ऑफिस के लिए लेट हूँ आज। तो फिर क्या हो गया, 5 मिनट लगेंगे इसको शर्ट को प्रेस करने में? मुझे नहीं पता, मेरा किचन का सारा काम पड़ा है, मैंने निष्का को रेडी भी करना, सबको खाना भी खिलाना, मेरे पास 5 मिनट। ओह नो, 5 मिनट लगेंगे? चल 2 मिनट लगेंगे। नहीं मेरे पास 2 मिनट भी नहीं है, मैं खुद नहीं 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 मेरे पास मैं नहाने जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, हो जाएगा, बात तो सुन ले यार। हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अनिष्का वन। तो आपको भी मम्मी पापा का हाल तो पता चल ही गया होगा, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा और आपके लिए एंड तक सरप्राइज भी है। गाइस मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना और मेरे इंस्टा का पेज भी फॉलो कर देना। तो गाइस चलिए अभी आगे देखते हैं स्टोरी। अमन खाना खा लो। हाँ रख लो भाई, बात नहीं मैं खा लेता। यार अभी तक आपने खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं मैं खा लेता, रखो आप रखो, खा लेता। चाय। यार खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो गया, आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया। अरे यार मैं काम ही कर रहा था ना, कोई फ्री थोड़ी बैठा हुआ था। चलो खा लेता हूँ खाना, कोई बात नहीं। ये आपका एक दिन का थोड़ा ना है, रोज ही आपका खाना पहले ठंडा होता है फिर ही आप खाते हो। ओह नो। अगर यार आपने लड़ने ही मेरे साथ तो खुद ही खा लो खाना, मैं नहीं खा रहा खाना। अरे यार सुबह सुबह तो मत लड़ो। ओके बेटा मैं लेट हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय। चल ठीक है निष्का, मैं भी जा रहा हूँ कॉलेज, ठीक है? चल ठीक है, बाय बाय। पापा भी लेना चॉकलेट। ठीक है बेटा ले आऊंगा, बाय बाय पापा, बाय मम्मी पापा, बाय बेटा। मामा पा गए। हाँ जी बेटा, मेरा बच्चा खेल रहा है। हाँ जी मामा। आज बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है ना, मैं तो बहुत थक गई हूँ। oh, मैं no. थोड़ी देर लेट जाती हूँ। ओके मामा। अरे यार अनिष्का आज तो थकावट हो गई, बड़ा काम था कॉलेज में, आज थकावट हो गई। लव यू बेटा। अरे यार इतना थक के आऊं तो पानी पूछ लो। अरे यार मैं कैसे पानी पिला सकती हूँ, मैं भी तो अभी आई हूँ, थकी आ रही हूँ आपके पहले। तो फिर क्या होगा, मैंने पानी मांगा आपसे, आप तो लड़ने को लग गए मेरे को। पापा मैं पानी ले आती। नहीं बेटा तू रहने दे, कोई बात नहीं मैं जाके ले आता हूँ, कोई बात नहीं मैं ले आऊंगा जाके। अगर यही बात आप पहले बोल देते कि मैं खुद पानी पी लेता हूँ तो कोई बात ही नहीं होती। तो फिर क्या हो गया, मैंने तो पानी मांगा आप तो लड़ाई कर रहे हो मेरे से। मैं लड़ाई कर रही हूं? हां लड़ाई कर रहे हो आप मेरे से। ठीक है मैं ही लड़ाई करती हूँ ना, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे यहाँ बैठना ही नहीं है। ठीक है अब मेरे पीछे कोई मत आना और मुझे कोई मनाने भी मत आना, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर शांति में बैठने दो। रुको मम्मा रुको। उसको बोला था जाने के लिए, वो खुद गई ना तो खुद ही आएगी, मैं क्यों जाऊँ मनाने के लिए उसे, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार इनका झगड़ा तो कभी भी नहीं खत्म होगा।
प्लीज भगवान जी मेरे मम्मा पापा का झगड़ा ठीक कर दो। हाँ जी मैं उनके झगड़े से बहुत परेशान हूँ, मुझे उनके बहुत टेंशन होती है, उनको बोलो ना कि वो प्यार से रहा करें। भगवान जी बस आप ही मेरी मदद कर सकते हो। थैंक यू भगवान जी। पापा पापा। हाँ जी बेटा। मुझे ना आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, चल मार्केट चलते हैं। चलो ठीक है बेटा, मैंने वैसे भी जाना ही था वेजिटेबल और फ्रूट्स लेने के लिए। चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। और एक काम और कर, तो अपनी मम्मा को भी बोल दे, उसको भी साथ में ले चलते हैं। ठीक है बेटा। मम्मा पापा ने बोल रहा कि चलो मार्केट चलते हैं। नहीं बेटा, oh, no. मेरा नहीं जाने का मन। मम्मा आपके मेरा नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, मैंने अभी काम करना है ना, किचन में थोड़ा सा काम है। ठीक है आप जाओ। नहीं मम्मी जाना। अच्छा चल ठीक है, चलती हूं। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। अरे बेटा जाना है, मार्केट चलते हैं। हनिष्का अरे मेरी बात तो सुन, ये देखो हम तेरे लिए कितना सामान लेके आए। तेरा फेवरेट चिप्स, जेलीज, पॉपकॉर्न, फन पॉप, आइसक्रीम तो नहीं लेके आए? अरे किसने बोला आइसक्रीम लेके आए? ये देख मैं अपने बच्चे के लिए पूरा का पूरा डब्बा लेके आया आइसक्रीम का। वाओ, लव यू पापा। लव यू बेटा। और मुझे अरे क्या कर रहे हो आप? चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं और साथ में पॉपकॉर्न खाते हैं। अरे वाह, आज तो लड़ में ले रहे, तब तक गौत ने मेरी बात सुन ले। अरे आपको पता है आज हनिष्का ने अपना सारा टेस्ट सुना दिया और उसके मैम ने उसको वेरी गुड भी बोला है ना हनिष्का? हाँ मैम। गुड बच्चा है मेरा तो। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि कल हनिष्का के नानी हाउस चले। ये तो बात भी नहीं। क्या हुआ, आपने बोला कुछ? बात ही कर रहे थे हम। अच्छा क्या बात कर रहे थे? अपनी मैं बताने वाली। यार बता दो, मैं ना गाने सुन रहा था जरा। रोज ही अपने कान पे हेडफोन लगाए होते हैं, हमारी बात खत्म हो जाती है, आपके पास गाने चलते रहते हैं। अरे फिर क्या हो गया, एक बार फिर से बोल दो। ओ तेरे को क्या हो गया, तुझे क्या हो गया बेटा? अच्छा एक बात सुनो निष्का, यार अकेले पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो साथ में कॉफी भी पिए फिर हैं? अच्छा चलो ठीक है, आप दोनों बैठो, मैं कॉफी बना के लाती हूं। नहीं यार तू रहने दे, मैं बना के लेके आता हूँ। अरे मैं जा रही हूँ ना। अरे यार मैं जाता हूँ ना, वो बोलो मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं मैं जाता हूँ, मैं बना के लेके आता हूँ, मैं बना के लाती हूँ। अरे मैं हेल्प करूंगा आपकी। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। तो निष्का कैसा लगा मेरा मजाक? हाय गाइस। तो फ्रेंड्स देखा आपने पेरेंट्स के झगड़ों का बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है। तो हम आपको इस वीडियो से यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप आपस में नहीं लड़े और बच्चे को प्यार से रखें। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और आपको मैं आपको सरप्राइज भी बता देती हूँ, नेक्स्ट मेरी आने वाली है वीडियो बर्थडे की, और उसे एंड तक जरूर देखना और वो बहुत मजा आएगा उसके देखने पे। और तब तक के लिए बाय। आप रुको, मैं घूमता हूँ अभी, रुको।